डीएडी के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन सी टाइप को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स आर द टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट नंबर इन साइड द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। अगर कंप्यूटर सिस्टम में हमने किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए जो मेथड, जो टेक्निक यूज की जाती है, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, नंबर सिस्टम। एनी वैल्यू दैट यू आर स्टोरिंग इनटू और गेटिंग फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी हैज अ डिफाइंड नंबर सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं और उस वैल्यू को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए किसी ना किसी नंबर सिस्टम को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को हम लोग टेबल की मदद से लर्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम का नाम क्या है, उसकी बेस या रेडिक्स क्या है, उसकी रेंज क्या है और उसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम हमारे पास है, दैट इज नोन एज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, इसकी बेस आपके पास क्या होती है, दैट इज अ 2। रेंज इसकी क्या है, 0 से लेकर अप टू 1 तक। मतलब कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगी। और जो मैक्सिमम नंबर होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, बेस माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1। इसमें कितने डिजिट्स आएंगे, 0 और 1, यानी कि 2 डिजिट्स आएंगे और बाइनरी की बेस भी क्या है, 2 है। जितनी बेस होती है उतने ही उस नंबर सिस्टम में डिजिट्स होते हैं। कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को, इन साइड द कंप्यूटर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम यूज किया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, बाइनरी नंबर सिस्टम का। यानी कि हमारा कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज नोन एज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 0 1, इट कंसिस्ट ऑफ मशीन कोड और बाइनरी कोड। सेकंड हमारे पास क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, इसकी बेस हमारे पास क्या होती है, दैट इज अ 8, और इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर अप टू 7 तक। यानी कि इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये डिजिट्स आ सकते हैं। जो मैक्सिमम डिजिट आपके पास होगा, दैट इज अ बेस माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 7। और टोटल डिजिट्स कितने होंगे इसमें, जितनी बेस है, यानी कि 8 डिजिट्स होंगे, लेकिन मिनिमम डिजिट आपका 0 होगा और मैक्सिमम डिजिट आपके पास क्या होगा, दैट इज अ 7। कहां पर इस्तेमाल करते हैं, अर्ली इयर्स में एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज करते थे। थर्ड नंबर सिस्टम आपके पास क्या है, दैट इज नोन एज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, इसकी बेस हमारे पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 10, और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर अप टू 9 तक। यानी कि 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके डिजिट्स आ सकते हैं। मिनिमम डिजिट आपका क्या होगा, 0 होगा, मैक्सिमम डिजिट आपका क्या होगा, 9 होगा, एंड दैट इज अ बेस माइनस 1। कहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं डेली लाइफ में कैलकुलेशंस के लिए, वो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड जो आपके पास नंबर सिस्टम है, दैट इज नोन एज अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसकी बेस आपके पास क्या होती है, 16 होती है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं वो भी 16 होते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर अप टू 15 तक होती है। यानी कि यहां पर भी जो मैक्सिमम डिजिट आपके पास क्या होगा, वो बेस माइनस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 15। लेकिन यहां पर 0 से लेकर 9 तक तो वैसे ही डिजिट्स होंगे जैसा कि आपके पास डेसिमल में है। जब आपके पास 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, तो 10 को हम हेक्सा में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। 12 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी कहां इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, यानी कि एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्सा के हमें 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती है। 4 बिट्स से मुराद क्या है, 1 निबल, दैट इज इक्वल टू 4 बिट्स। इसी तरह ऑक्टल में जो आपके पास एक डिजिट होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, हमें 3 बिट्स चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को देखेंगे, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।